हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। आज देखिए, मैं मुहर्रम की स्पेशल थाली बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आटा लिया हुआ है, ये मैंने शक्कर ली हुई है, देसी घी है, किशमिश है, काजू है जिसको मैंने बीच से काट लिया है, ये पिस्ता है जिसे मैंने छोटे छोटे काट लिया है, बादाम है जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं, ये सूखा खोपरा है जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम आटे को गूंथ लेंगे, इसका एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे, न ज़्यादा टाइट हो न ज़्यादा नरम हो। जैसे हम डेली यूज़ में रोटी बनाते हैं उसी तरह हम रोटी बना लेंगे। रोटी डेली यूज़ से थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली ना रहे ताकि ये बाद में सूखे ना। और इसको हम अच्छी तरह बना लेंगे वन बाय वन करके। अब हम तवा गर्म कर लेते हैं, तवे पे रख दी। अब मैं इसको सेक लूँगी अच्छी तरह, और ताकि रोटी देखिए फूल भी गई अच्छी तरह। अब इसको वन बाय वन करके हम लोग सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। अब मैं एक बाउल लेके इसमें इसको छोटा छोटा तोड़ूँगी। आप जितना छोटा तोड़ेंगे आपको बाद में उतने ही इसको बनाने में आसानी रहेगी। देखिए, मैंने शक्कर डाल दी। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आप जितना कम या ज़्यादा खाते हो। देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह, और जितना हो सका मैंने इसको छोटा छोटा कर लिया है। आप चाहें तो इससे भी छोटा कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला। अब इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक पैन रखा हुआ है, इसमें हम 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है ताकि ये थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और पहले मैंने देखिए काजू डाला हुआ है, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता है इसको हल्का सा फ्राई करते रहेंगे। इसी में मैंने बादाम डाल दिया, बादाम को भी हम अच्छी तरह उसी तरह रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, जब तक ये गोल्डन होता है तब तक हमें इसको फ्राई करना है। अब देखिए, गैस की फ्लेम को लो पे रखें, और इसी में हम डाल देंगे सूखी करी जो कि सूखा कोपरा है जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया था। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसी पे हम 20 सेकेंड के लिए इसको चला देंगे ताकि जब तक गर्म है तब तक ये खोपरा हो जाए इसमें। अब इसको हम उतार लेते हैं, और इसको हम जो मैंने मलीदा बनाया हुआ है उसी मलीदे में इसको डाल देंगे। आप चाहें तो ये जितने मेवे हैं आप इनको मिक्सी में दरदरा सा पीस लें, वैसे भी डाल सकते हैं, या तो आप कद्दूकस कर लें जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और आप अगर इसमें केवड़ा डालना पसंद करते हैं, और आपको अगर केवड़े की स्मेल अच्छी लगती हो तो आप 1 चम्मच या आधा चम्मच के करीब केवड़ा भट्टा डाल लें जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और इसमें अब हम किशमिश डाल लें जिसे मैंने रोस्ट नहीं किया था, और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि चारों तरफ से मिल जाए। हम रोटी को ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, ये उतनी ही गर्म रहे जितना कि हम अपने हाथ से छू सकें, ताकि इसमें जो शक्कर है वो बाद में मेल्ट हो जाए। और देखिए, हमारा मलीदा बनके तैयार है, इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब चलिए, अब शरबत बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने पानी लिया हुआ है, और आप जितना चाहे उतना पानी ले सकते हैं, और अपने हिसाब से जितना चाहे उतना शक्कर डाल सकते हैं। इसमें मैं 4 से 5 चम्मच के करीब शक्कर डालूँगी, आप अपने मीठे के हिसाब से इसमें डालें। और इसको तब तक इसको इसी तरह चलाते रहें जब तक इसमें शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती। देखिए, शक्कर मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा, इसे भी मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब डाला हुआ है। इसे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से डालें, और जितना भी डालें फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जितना भी है सारा आसानी से मिक्स हो जाए। देखिए, इसको चलाते हुए मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब इसमें हम डालेंगे
गुलाब की पत्तियाँ जो कि इसका लुक अच्छा देंगी। और इसके बाद हम इसको ग्लास में निकाल लेते हैं। और अब देखिए ये मैंने थाल ली हुई है, इसमें हम रखेंगे मलीदा जो कि मैंने बनाया हुआ है अभी, और ये हम रखेंगे शरबत जो कि मैंने सिंपल रूह अफ़ज़ा से बनाया हुआ है। ये मैंने रखा रामदाना, ये मैंने रखी शक्कर, ये मैंने चावल को 1 घंटे पहले भिगा लिया था, इसको भी हम लोग रखते हैं न्याज में। ये मैंने मोमबत्ती ली हुई है और ये मैंने अगरबत्ती ली हुई है, इसे भी हम रखते हैं, और ये मैंने माचिस ली हुई है। अब देखिए मेरी थाल बन के तैयार है। और हम लोग हर बार मुहर्रम पे जाते थे वहाँ जहाँ ताजिया बनती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है लॉकडाउन के वजह से, इसीलिए हम लोग घर पे न्याज करवाएंगे। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब हम लोग हर साल इसी तरह करते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।